हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटिन लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी की स्टडी जोरों शोरों पर चल रही होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम कैसा हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको मिले थे या फिर नहीं मिले थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपका कल एग्जाम है, देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप के जो कि आपको यहाँ से इस वीडियो से आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं और उसके टाइप्स बताएं। देखिए एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, रिस्क उठाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो पर्सन कहलाता है एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन लेके आता है, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल करता है जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होता है, वो पर्सन कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो एक बिजनेसमैन कुछ भी इनोवेटिव लेके आ रहा है वो पर्सन आपका कहलाएगा एंटरप्रेन्योर, जो कि रिस्क लेगा, प्रॉफिट भी होगा, अपना टाइम भी देगा, डिसीजंस भी लेगा, इनोवेशन करेगा, इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो वो आपका कहलाता है एंटरप्रेन्योर। अब इसके यही करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर होता है, मोटिवेट करता है, रिस्क लेता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, अपने आप भी मोटिवेट रहता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है, अनसर्टेनिटी से कभी भी घबराता नहीं है, इनोवेटर होता है, मींस कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आता रहता है। सो वो कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बारी आती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन कौन से टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर आपको लर्न रखने हैं आपके एग्जाम में। आपसे ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, 2 या फिर 4 मार्क्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हो जाता है इनोवेटिव, एज द नेम सजेस्ट इनोवेटिव, मींस जो कुछ इनोवेशन कर रहा हो, कुछ ऐसा लेकर आ रहा हो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और सबसे यूनिक हो, वो आपका कहलाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आपका होता है ड्रोन। देखिए ड्रोन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि पहले आपको मिला करते थे, मींस ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कोई चेंज होता है आगे जाके, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे इनका बिजनेस बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके ग्रैंडफादर की तरह होते हैं कि जैसा उन्होंने कह दिया वैसा ही होगा, ये चेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, बट जो इन्होंने कह दिया वही होना है, वो आपका होता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट होता है आपका फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, बट जब उसे लगता है कि भाई अब रिस्क है, अब मुझे अपडेट होना ही पड़ेगा, तब जाके वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मार्केट में बना रहता है, वो आपका कहलाता है फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये आपके पेरेंट्स की तरह है, यानी कि जब बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते तो एक टाइम के बाद वो उनकी थिंकिंग को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आपके कहलाते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट होता है आपका अडॉप्टिव। यहाँ पे भी जैसे आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, इसे इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अडॉप्टिव या फिर इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो कि मार्केट में जो ऑलरेडी है, मीन्स जो एग्जिस्ट में है, उसी को ही अपडेट करके दोबारा से रिलॉन्च करता है, वो आपका कहलाता है अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। मीन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका ही कोई अपडेट वर्जन, बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस देके जो मार्केट में लेके आए, जो बिजनेस करे, वो आपका कहलाता है अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट हो जाता है आपका अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है, जैसे ही उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, बेटर ऑप्शन दिखता है, तुरंत उसे ग्रैब कर लेता है। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है अपॉर्चुनिस्ट एंटरप्रेन्योर को। सो ये बेसिक टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हो गए।
और भी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं, फॉर एग्जांपल मोटिवेटर एंटरप्रेन्योर जो कि हमेशा मोटिवेट रहता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है, रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर, सो वो सारे एक्स्ट्रा में हो जाते हैं। ये 5 मेन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है जो कि आपको लर्न करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके नेचर एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताएं। देखिए एंटरप्रेन्योर हो गया एक पर्सन, अब जो इसका आइडिया है ये उसे ट्रांसफॉर्म करेगा रियलिटी में, मींस अपने इनपुट को बदलेगा आउटपुट में। सो ये जो इनपुट को आउटपुट में बदलेगा उसका पूरा एक प्रोसेस होगा, बीच का एक प्रोसेस होगा कि कैसे कैसे वो कौन कौन से स्टेप्स लेगा। सो ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन, और वो पर्सन जो अपने आइडिया को, जो अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, उसे कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस को वो फॉलो करेगा वो आपका कहलाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। नेचर सेम नेचर होंगे, इनोवेशन होगा, कुछ ना कुछ रिस्क बियर करेगा, इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा, अपॉर्चुनिटी भी देगा, है ना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। सो ये सारे इसके नेचर्स हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम सा है, ठीक है। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये आप पढ़ लीजिएगा, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप होता है, स्टेट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होता है, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप होता है। सो ये सभी टाइप्स हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी सा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हो जाता है रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि रिस्क क्या होता है। देखिए रिस्क एक अनसर्टेनिटी है, मींस अनिश्चितता है, जो अगर आप बिजनेस करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर होगा तो उसे रिस्क बियर करना ही करना पड़ेगा। सो ये बेसिक डेफिनेशन हो जाती है रिस्क। टाइप ऑफ रिस्क, देखिए टाइप ऑफ रिस्क बहुत इजी से है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए नेचुरल रिस्क, नेचुरल रिस्क क्या होते हैं कि जो नेचर के कारण होते हैं, मीन्स ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, उस वजह से आप डिलीवरी नहीं कर पाए, एक एंटरप्रेन्योर नहीं अच्छा जो है मार्केट में स्टेटस बना पाया, वो आपके कहलाएंगे नेचुरल रिस्क। नेक्स्ट होते हैं आपके ह्यूमन रिस्क, फॉर एग्जांपल आपको एक केक की डिलीवरी करनी थी बट बीच में ही, रास्ते में ही आपका केक गिर गया या फिर वो खराब हो गया, तो वो आपका कहलाता है ह्यूमन रिस्क। नेक्स्ट आपके होते हैं बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है कि कॉम्पिटिटर आ गए और आपके कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा करके दे रहे हैं, वो आपका कहलाता है बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट होता है आपका इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें आपके गवर्नमेंट कुछ टैक्स बढ़ा दे या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसी ड्यूटी लेके आ जाए जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए रिस्क अनसर्टेनिटी के साथ साथ चलता है, अगर आप एग्जाम में रिस्क लिखेंगे एक साइड में और दूसरी साइड में एरो बनाकर अनसर्टेनिटी लिख देंगे तो वही एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई बच्चे को आता है, वो यही आपको मार्क्स दे देगा। सो ये आपको कहलाता है रिस्क, और बेसिक टाइप ऑफ रिस्क ये हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी अवॉइड, कि आप रिस्क को मिनिमाइज यानी कम तो कर सकते हो बट अवॉइड नहीं कर सकते, इसके ऊपर अपने कमेंट्स कीजिए। सो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर कैसे देना है, आपको बस अपने माइंड को ओपन रखना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, बताओ कैसे, तो आप सभी ये रीजन लिख दोगे, आप सभी ये टाइप लिख दोगे उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम का कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, इसमें कल को जाके ये रिस्क हो सकता है। सेकंड आप एनालाइज करोगे रिस्क को, थर्ड आप उस रिस्क के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के रखोगे, और फोर्थ जब वो रिस्क हो जाएगा आप अपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दोगे और उसके बाद अपने रिजल्ट चेक करोगे। ये फोर्थ स्टेप होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर एक प्रोसेस के, आपको ध्यान रखने हैं, बस ये स्टेप के पहले कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा, क्योंकि मिड का इतना कोई मैटर नहीं करता बट आपको फर्स्ट और लास्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट के तौर पर भी आ सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर होता है या फिर नहीं होता है, इस पर कमेंट कीजिए। तो देखिए बहुत डिफरेंस होता है एक एंटरप्रेन्योर में एक मैनेजर में। देखिए एंटरप्रेन्योर तो आपके बिजनेस का ओनर हो जाता है और मैनेजर कौन है, वहां का एम्प्लॉय है, वहां का वर्कर है।
एंटरप्रेन्योर को कोई सैलरी नहीं मिलती बट मैनेजर सैलरी बेसिस पे वर्क करता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की नीड नहीं होती बट मैनेजर बनने के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की नीड होती है। एक एंटरप्रेन्योर जो डिसीजन लेगा वो किसी से परमिशन नहीं लेगा डिसीजन लेने में, मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर होगी उसके पास में, बट मैनेजर के पास में इतनी अच्छी पावर नहीं होगी डिसीजन लेने के लिए। वो जो भी डिसीजन लेगा उसका अप्रूवल इन दी एंड एंटरप्रेन्योर ही करेगा। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका वेंचर कैपिटल। देखिए वेंचर कैपिटल आपको ध्यान रखना है। ऐसा होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सारी कैपिटल खुद से ही अरेंज नहीं करता, मीन्स अब इन्वेस्टर होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे मीन्स बैंक वगैरह होंगे जिससे वो डेब्ट लेगा, ऋण लेगा। सो उस कैपिटल को ही वेंचर कैपिटल बोला जाता है। बट इस कैपिटल की खास बात ये होती है कि इस कैपिटल को जिसने दिया है वो प्रोफेशनली एनालाइज करते हैं चीजों को, देखते हैं कि भाई उनका पैसा ठीक इन्वेस्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। आप एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हो या फिर नहीं हो, देखिए अपना पैसा है, कोई भी आपको ऐसे ही नहीं देगा। सो उस कैपिटल को बोला जाता है वेंचर कैपिटल। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसमें रिस्क बहुत होता है क्योंकि अगर बिजनेस नहीं चला और पैसा डूब गया तो आपकी कैपिटल गई। सो इसमें रिस्क रेट काफी हाई होता है। इनोवेशन के लिए कैपिटल दी जाती है। डेप्ट इक्विटी कैपिटल होती है, ये मीन्स कुछ मनी जो होगी वो एंटरप्रेन्योर की और डेप्ट कुछ इन्वेस्टर होंगे, आपके फर्म्स होंगी या फिर आपके इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि इन्वेस्ट करेंगे। और सोर्सेज क्या क्या हैं, देखिए सोर्सेज भी बता दिया, इन्वेस्टर है, आपकी फर्म्स हैं, आपके इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ICICI बैंक को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर और भी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीडरशिप। देखिए मैंने ये पहले भी आपको समझाया है अच्छे से कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप एक क्वालिटी होती है जिसमें एक पर्सन एक ग्रुप को एक साथ में लेके चलता है, मोटिवेट करता है और जो ये सारे वर्क करता है उसे लीडर बोला जाता है। टाइप ऑफ लीडर मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, 3 टाइप होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फ्री। ऑटोक्रेटिक कौन से, जो अपनी अपनी चलाते हैं, एम्प्लॉयज के बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो कि हिटलर टाइप होते हैं। डेमोक्रेटिक वो लीडर होते हैं जो कि 50% डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय के भी सुनेंगे और अपनी भी बात रखेंगे। और लेजिस फ्री वो लीडर होते हैं कि जो कि सब कुछ अपना वर्क जो है एम्प्लॉयज पे छोड़ देते हैं कि भाई आप डिसीजन लीजिए, आप वर्क कंप्लीट कीजिए, मुझे केवल रिजल्ट से मतलब है। वो आपके कहलाते हैं लेजिस फ्री लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट आपके करेक्टरिस्टिक्स की, एक लीडर जो होगा मोटिवेटर होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, सभी को एक साथ में ग्रुप को लेके चलेगा, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सभी को वर्क कराएगा, मोटिवेट करेगा, टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा, टाइम टू टाइम अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे रिड्रेस करेगा, कोई मनमुटाव है तो उसे हटाएगा। सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं एक लीडर के। आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के टाइप से भी पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने दिमाग को सटीक रख के आपको अपना आंसर लिखना है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप के। सो आपका क्वेश्चन 7 हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये देखिए शॉर्ट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, मीन्स जब एक एंटरप्रेन्योर एनवायरमेंट को एनालाइज करता है कि उसको कहाँ से थ्रेड आने वाला है, कहाँ से उसकी अपॉर्चुनिटी होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोला जाता है एनवायरमेंट एनालिसिस। 2 टाइप ऑफ आपके एनवायरमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने आपको पहले भी बताया है इंटरनल में सारे आपके एम्प्लॉयज आ जाएंगे, आपके बिजनेस का एनवायरमेंट आ जाएगा, ये सभी आपका इंटरनल कहलाएगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका क्या आ जाएगा, आपका कॉम्पिटिशन आ जाएगा, कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, आपका सप्लायर आ जाएगा, आपका कस्टमर आ जाएंगे, मीन्स बाहर से जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं वो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है पेस्ट एनालिसिस। देखिए पेस्ट की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, पी मीन्स पॉलिटिकल, ई मीन्स इकोनॉमिकल, एस मीन्स सोशल एंड टी मीन्स टेक्नोलॉजिकल। ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। सो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका हो जाता है ई टॉप। ई मीन्स एनवायरनमेंट, टी मतलब थ्रेड,
ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी और पी मीन्स प्रॉफिट, ये आपको ध्यान रखना है ईटॉप की फुल फॉर्म। देखिए अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी, आप स्टार्टिंग में ही फुल फॉर्म लिखोगे और एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट को आता है ये क्वेश्चन, वो इतना टाइम इस क्वेश्चन पर नहीं देगा। ठीक है, ये आपका ईटॉप का एक मॉडल है। नेक्स्ट आपका प्रमोशन। देखिए प्रमोशन क्या होता है, जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने आप को प्रमोट करता है। किस लिए करता है, कि आपका बिजनेस अच्छा चल सके, अगर इन्वेस्टर की नीड है तो इन्वेस्टर्स आ सके, पब्लिक को पता हो सके कि वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। सो वो आपका कहलाता है प्रमोशन। प्रमोशन एक टाइप होता है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का। सो आपको ये ध्यान रखना है टाइप्स। देखिए बहुत इजी है, मार्केटिंग प्रमोशन, सेलिंग प्रमोशन, है ना, मार्केट को आपको प्रमोट करना है, प्रोडक्ट प्रमोशन, आपको सेल करनी है, सेल प्रमोशन। सो ये सभी टाइप्स हो जाते हैं आपके प्रमोशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे ईडीपी भी बोला जाता है। देखिए अब फिलहाल जो मोदी गवर्नमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जिसमें एमएसएमई स्कीम भी आ जाती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। इन स्कीम, ये एक स्कीम है जिसमें क्या होता है, आपके एमएसएमई के जितने भी व्यापार होते हैं उनमें इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, आपको बढ़ावा देती है कि आप आइए एंटरप्रेन्योर बनिए। अब एंटरप्रेन्योर क्यों बनाने के लिए जोर देती है गवर्नमेंट, क्योंकि आपसे इसका इकोनॉमी भी रेज होगा, है ना, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, गवर्नमेंट इंडिया भी जो है अपने आप को अपडेट रखेगा। सो ये सभी रीजंस होते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के पीछे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को। सो गवर्नमेंट, देखिए आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये हैंडलूम इंडस्ट्री होती है या फिर खादी इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या होता है कि जो लेडीज होती हैं गांव देहात की, रूरल एरिया की, वो अचार पापड़ बना के सेल आउट करती है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के तहत ही आता है, इसी स्कीम के तहत ही आता है। वो प्रमोट करते हैं ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो रेज हो सके, है ना, इसलिए ये सभी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर बता दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो अब आप अच्छे से बता सकते हो। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जितनी भी यंग जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रही है। रीजन ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है, आप मोटिवेट रहते हैं, आप रिस्क भी बियर करते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए, आप एक्सपीरियंस्ड भी होते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका ये हो सकता है, आप जो है एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप काफी हद तक अपना योगदान दे रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो ये सभी पॉइंट्स हो जाते हैं इस क्वेश्चंस के। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम रखती है, आपके ड्यूटीज वगैरह को रिड्यूस कर देती है, टैक्स को रिड्यूस कर देती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, कि बाहर से कोई चीजें आ रही हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट ये होगा कि हम मेड इन इंडिया चीजों का यूज करें, सो वो आपका कहलाएगा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो ये कुछ बेसिक स्कीम्स वगैरह होती हैं। MIES एक स्कीम है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, है ना, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई इतना टिपिकल ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनोवेशन। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनोवेशन क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स बताओ, और इन्वेंशन बताओ, इन्वेंशन क्या होता है। देखिए काफी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप होता है आपका इन्वेंशन, आपके माइंड में एक आइडिया आया कि आपको कुछ ऐसा सप्लाई करना है जो कि मार्केट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो गन्ने का जूस होता है वो मार्केट में अभी आपको टेट्रा पैक में अवेलेबल नहीं होता, तो एक एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि मैं गन्ने के जूस को टेट्रा पैक में जो है दूंगा। सो ये आपका इन्वेंशन है, आपके दिमाग में ये आइडिया है, और जब इस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, रिव्यू जब आएंगे, लोग उसे समझेंगे, यूज करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिचुएशन आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और अच्छा सेल आउट होगा, तो वो आपका कहलाएगा इनोवेशन। मीन्स कुछ आपने ऐसा दे दिया जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, जिसकी नीड थी, वो आपका कहलाएगा इनोवेशन।
और इन्वेंशन आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपके दिमाग में वो आइडिया आया है। जब आप उस आइडिया को कन्वर्ट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, इनपुट को आउटपुट में बदलोगे, वो आपका कहलाता है इनोवेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं इनोवेशन के? देखिए, इनोवेशन केवल एक आइडिया नहीं है बल्कि वो एक एक्ट है। एक्ट मीन्स कर्म है जो आप कर रहे हो, एक वर्क है जो आप कर रहे हो। इनोवेशन जो है वो मार्केट को अपडेट करता है, कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं इनोवेशन के, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी नोटबुक से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी चाहिए। देखिए, मैंने कंपनी लॉ के एग्जाम में भी बताया था कि 3 मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो कौन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आपका जो है प्रोस्पेक्टस। और क्या चाहिए? प्रॉपर लोकेशन चाहिए, लेआउट चाहिए, प्लांट का लेआउट चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सी चीज आप कहाँ स्टेबल करने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा वहां पे हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, वाटर की सुविधा हो, प्रॉपर आप लोकेशन देखोगे अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, कैपिटल जितनी चाहिए वो कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, नहीं है आपके पास तो इन्वेस्टर्स लेके आओगे, वेंचर कैपिटल लेके आओगे। तो ये सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो ये कुछ, देखिए मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन बता चुकी हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के। इन 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप इस वीडियो को अच्छे से करके जाइएगा, टाइम कम है। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो केवल यही क्वेश्चन पढ़ ले, आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।